हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टार हैचरी पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम हमारे मित्र के पास आए हैं, विशाल काकड़े हमारे मित्र। उन्होंने नई मशीन लाए हैं और ये मशीन देख सकते हैं आप, 320 अंडों की इनक्यूबेटर है ये। और ये इनक्यूबेटर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कम से कम 150 अंडा डालेंगे फिलहाल, फिर दूसरे दिन डालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस मशीन के सब इस तरह ट्रे होते हैं। ऑटोमेटिक मशीन है, फुल टर्नर, ह्यूमिडिटी, ऑटोमेटिक टर्नर, सभी प्रकार का इसमें फैसिलिटी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें पानी डालेंगे। मशीन में ऐसा पानी डालना पड़ता है अंदर नीचे स्टार्टिंग में। पानी डालने के लिए तो फ्रेंड्स, अभी मशीन हमारी नई है, इसलिए हम कुछ अंडे स्टार्टिंग में 100 से 150 अंडे रखेंगे और इस तरह हम अंडे रखते जाएंगे। ये ऑटोमेटिक रोटेट होंगे अंडे। अंडे फिलहाल हमारे पास 150 से 200 अंडे है, इसलिए हम खुले खुले रखेंगे अंडे। देखिए फ्रेंड्स, इस मशीन की एक खास बात है फ्रेंड्स, जो टेम्परेचर देंगे अपन उसके हिसाब से अंडे का, ये देख सकते हैं आप, ये ह्यूमिडिटी का भी और ये टेम्परेचर का भी। और ये क्या का रख रहे हैं आप, मुर्गी का। फिलहाल मुर्गी रख रहे हैं, ये मुर्गी का निशान आएगा। बदक रख रहे हैं, बदक का। फिर टर्की रखेंगे, टर्की का। उस प्रकार अलग अलग तरह के अंडे में से बच्चे निकलेंगे और उस अंडे के हिसाब से उसका टेम्परेचर रहेगा। देख सकते हैं आप, इस तरह अंडे रखेंगे और ये ट्रे लगा दिए। वो फूटा लाना पता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस अंडे पे अपने को थोड़ा सा का डाउट है। ये देख सकते हैं, इस बटन से ये लाइट चालू होता और कैंडलिंग हम 7 दिन के बाद इससे ही करेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये जो दिख रही है बारीक बारीक लकीरें, इसका मतलब ये होता है कि अंडा ये फूटे हुआ है। तो ये मशीन में नहीं डालेंगे अपन। हो सकता है अंदर अंडा बच्चा बनेगा भी, और अगर अंडा ये ख़राब हुआ तो अंडा फूट जाएगा और मशीन में दूसरे अंडे ख़राब होंगे, इसलिए फ्रेंड्स हम इसको निकाल ही देंगे। इस तरह हमने अंडे बिठाए हैं। अब 7 दिन के बाद हम कैंडलिंग करेंगे इसकी। और अभी तो फिलहाल हमने थोड़े अंडे डाले हैं और इसके बाद में और हम अगला इसमें अच्छे ज़्यादा अंडे डालेंगे। पूरा मशीन की कैपेसिटी पूरी पूरी 320 अंडों की कैपेसिटी है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।